एक्चुअली राइड होने वाली थी कल, लेकिन कल हो नहीं पाई बिकॉज कल सुबह सुबह हम उठे और देखा तो एकदम बिजलियाँ कड़क रही थी, बारिश बरस रही थी और हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वापस हम लोग सो गए। सोलो का स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और ये व्लॉग का मुझे बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी लोग होंगे आप में से जिनको भी बेसब्री से इंतजार था और बिना कोई वक्त जाए के सीधा निकलते राइड की तरफ। ज़्यादा बोल दिया। ओ वैसे हमारे साथ आ रहे हैं केतन, मोहक, वन, तो हम चारों जन जाएंगे आराम से, आज मज़े से राइड करेंगे, कोई वापस आने की घाई नहीं है, एक्सप्लोर करेंगे। 200 से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने का आज टारगेट है। अभी देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद ये सब पहना है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये देखो वेदर, सो फार इट इज़ क्लीन। हाँ जी, तो स्वागत है आप सबका इस राइड वीडियो में। ये राइड का एक मकसद है जो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वैसा बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश शायद यहाँ पे हो चुके इसीलिए रास्ता गीला है और गाड़ी तो गंदी हो जाएगी, लेकिन ठीक है, एडवेंचर गाड़ी गंदी ही अच्छी लगती है। हम वेट नहीं कर सकते, ये देखो राइड के लिए पब्लिक निकल चुकी है, अच्छा लगता है ऐसा देख के। ओहो, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़रूर आ जाएगा। तो हमारे तेंदुए ने लास्ट टाइम जब पेट्रोल भरवाया था तभी पेट्रोल था 98 रुपीज़, अब पेट्रोल 98 नहीं रहा, अभी पेट्रोल ने सेंचुरी क्रॉस कर दी है 102। शायद वापस आते हैं तो 104 भी हो जाए, बोल नहीं सकते। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल वेदर, वाओ। और यहाँ पे है हमारा मीटिंग पॉइंट, शायद सभी लोग आ गए, हमें लेट है। क्या बात है, रेडी है पब्लिक एकदम। कितना लाइट लगे है, लाइसेंस निकालो। लाइसेंस है, भूल गया मैं। प्लेट डाल के रखा है क्या भैया, थोड़ा खर्चा करो। तो मस्त लग रहा है पर गर्मी बहुत हो रही है यार, अभी थोड़ा हैंग है। मैं जब गाड़ी निकाला ना तो फिर नर्वस लग रहा था, तो लो कॉन्फिडेंस, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ओहो, ये चेहरा अच्छा लगता है। तो लिया है एक चाय ब्रेक मुरबाद में। और इसने क्या बनाई है, जो कवर है पीपी किट है ना, सेव लगे। देखो पहली बार उधर बात ले रहे हो, मार के रॉयल एनफील्ड का है। कितने का ये? 1300। 500 का था, 800 का था, अभी ये साल 1300, 3 2 साल में 1300। फटता नहीं है ना? नहीं चला है, फटा है, पुराना फट गया पर 2 साल चल ले ले, कोई बात नहीं है, काम का नहीं है, अरे चलता है, एक बिल्कुल पानी नहीं गया। चलो ठीक है, देख लेंगे, नहीं तो अपना पॉलिथीन बांध देंगे ना जाड़ा वाला, ऐसा मस्त इधर गाठ मार के। मैंने लद्दाख किया इससे पूरा, और ऐसा पूरा पानी। अच्छा, इससे तूने लद्दाख किया है? पूरा लद्दाख किया है। तो पहली बार मैंने ये बूट्स प्रॉपर राइड पे पहने और गंदे हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सब पैनियर लेके आ गया है पूरा खाली भर के। इसमें डम्बल भरने वाले थे लेकिन भरे नहीं, पता नहीं क्यों डम्बल नहीं भरे। अरे पहले हल्का का कितना है वो तो पता, अपना मालसेस पे लैंडस्लाइड हुआ है तो थोड़े पत्थर उठा के डाल देंगे 10-10 किलो। और मोहक ने इस बार किसी और की हिमालयन उठाई है। बस मोहक की गाड़ी किधर है रे? मैंगलोर। क्या मोहक की गाड़ी उसके ससुराल में? हाँ, क्या तेरे घर वाले देखते क्या वीडियो? अरे आंटी सुनो। नहीं नहीं, अपना वैसा दोस्त बहुत भोला है, भोला बहुत ही भोला है। गरम वड़ा पाव है, एक दे देना, और कोई खाएगा? एक वड़ा देना, पाव लो, वड़ा पाव, गरम गरम वड़ा पाव आ गया है। वो अंकल बोल रहे फटाफट खाओ, जल्दी फटाफट खाओ। क्यों वो बोल रहे फटाफट खाओ? अच्छा गरम गरम, काजी थी, काजी करता ना काका। हाँ जी, तो कहते कहते बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया, आई थिंक एक घंटा तो चला ही गया। वैसे अभी तो बजे 9:15, माँ कसम 9:15 तो इधर ही बज गए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है, ब्रेकफास्ट राइड के लिए हम निकलते हैं, लेकिन ये लंच राइड और कभी कभी डिनर राइड तक हो जाती है, तो चलेगा। वैसे संडे ही है और यहाँ पे स्टोरी निकाली जा रही है, सब पूरा ऑनलाइन अपनी स्टोरी निकाल रहे हैं, सही है। डू टैग मी ब्रो। ओहो, क्या बात है, हमारे डोंगर लद्दाख से कम है के? अरे डिस्कनेक्ट हो गए का? हेलो, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा,
आज जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। देखो नेचर तो देखो, वाह कोरोना मुक्त हवा। ये देख के केदारनाथ की याद आती है यार, ये म्यूल देख के। दो दिन हमने ये देखा था, पर बहुत जबरदस्त ताकत रहती है बाबा इसमें। पूरा दिन में तीन तीन चार चार बार चढ़ता उतरता है वो केदारनाथ। आय तर मैसेज घाट सुरू झालेला आहे, प्रारंभ झालेला आहे मित्रांनो। एकदम वेदर थंड हो गया, पर मस्त लग रहा है। क्या बात है, होए होए। इधर मत रुकाओ भाई, ऊपर देखो। हाँ वही डर लग रहा है। सुना है मैंने कि पत्थर दूर ही जाता है, ऊपर से गिरता है तो। ये तो रोड बना रहे। अच्छा मतलब एक एक करके बना रहे ना, एक साइड का ट्रैफिक खोल के रखते लगता है फिर। हाँ वो रोक के रखा है, बराबर है, सही है। ऐसा लग रहा है पहाड़ में चले गए बड़े बड़े। खड्डा को उड़ाओ भैया। क्या बात है, तो ऊपर देखो पत्थर कैसा लटका हुआ है तार पे। फाइनर के साइज का पत्थर है वो। यहाँ रुकना है कि आगे जाना है? पिंपरो डैम पे ना। अरे मस्त है, उधर डैम के पास उतार भी सकते हैं गाड़ी अपन। एमटीडीसी स्पॉट लगा दिया ना, चलो आणि मग पुढे जाऊ जोगाला। जोगा जवळ आहे का तिकडे ना? हां पुढे थोडंसं 3-4 किलोमीटर आहे। 3 किलोमीटर? हां चलो फिर ठीक है। मालसे से ज्यादा तो इधर मजा आ रही है। अच्छा आ गए हम अपन एमटीडीसी। ओए ओए देखो कैसा मस्त लग रहा है आगे। आ क्या बात है, इश्क हो गया मुझे तो। MTDC पर्यटन निवास, ऐसे पूछते हो उसको? ऐसा 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 मिलेगा भैया। ओहो MTDC रिसोर्ट में खाया जा रहा है खाना। खाना ही खा रहे अपन है ना, अभी घर जाके मेरे को नहीं लगता खाएंगे। सुबह का नाश्ता मुरबाद में करेंगे, दोपहर का खाना मार्सेज में, और रात का थाने। चलो तो खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। अरे दो बड़े खाने के बाद इतना मिसा पाव कभी खाता नहीं जिंदगी में मैंने। बाल बहुत ज्यादा, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया ना। बाल साले इतना बड़ा बाल मेरा किस में? चाय में? नहीं नहीं ये बाल है, ये तो औरत का बाल है, औरत का चक्कर वाला बाल है, बाद में आया हुआ है। इसको बोलना सर ये देखो ये फ्री में दो ये प्लेट। शेयर्स लोग देख रहे हैं। सुर के पियो, मोक सुर से पियेंगे अभी मोक। अरे गरम है तो गरम इसीलिए सुर से पीते हैं। आवाज आना चाहिए गरम जबरदस्त। अपन तो एक्सपर्ट हो गए ना, लोग देख रहे थे अपने को। ए मोक किधर लेके जा रहे रे? तो आराम से भाई लोग, स्लिप होने के चांसेस है। एक घंटा यहाँ पे बिताने के बाद अभी यहीं 12 बज चुके हैं। वैसे बहुत अच्छी जगह है ये, रहा MTDC रिसोर्ट, और यहाँ से एक पतली गली निकलती है, ये रही। यहाँ से अपन यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से सीधा यहाँ पे, बस वहाँ पे संभल के फ़ोटो निकालना, क्योंकि काफ़ी लोग एक्साइटमेंट में लुढ़क जाते हैं ना, कहते हैं सब। ये खेगड़े का घर है? अच्छा अंदर घुस गया क्या? तो चलो राइड शुरू करने के पहले थोड़ा हल्का हो ले। चलो ये शर्मा तक है को, अरे हल्का होने का सब हल्का होते है। चलो थोड़ा हल्का होते हैं और मिलते हैं आपसे हल्का होने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं पिंपर जोगवा डैम पर, यहाँ पे पुलिस बैरिकेटिंग है, तो शायद वो जाने नहीं देंगे। आई एम नॉट श्योर। नहीं जान दे रहे? रिटर्न बोल रहे हैं। चलो ठीक है कोई नहीं। नहीं हो सर? हो ये देखे स्पीड कैमरा लगाओ, देख ये स्पीड कैमरा, यहाँ पे भी चलाना है ना। पहले बात तो यहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए दारू पीने वाले लोगों की, बहुत बढ़ता है मॉनसून में, यहाँ पे आके दारू पीते हैं पहाड़ों पे, गाड़ी चलाते हैं, बहुत रिस्की हो जाता है साला ये लोगों के लिए। वो तो हड़ू जावा इसीलिए बोल रहा था लगता है कि तुम्हारा चलन कट जाएगा। जाओगा? चलो जाओ। जय हनुमान। छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले खिंड। जय भवानी।
वो तीन जन लटके हुए क्रेन पे, वो कुछ कर रहे हैं। जाए क्या? चलो पतली गली से निकल लो, जल्दी निकल लो। रोक रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी पुलिस। अपन सुबह आए तो अभी नहीं थे, ये अभी आए। तो अभी बजे डेढ़, डेढ़ बजने को 5 मिनट कम है। आधे घंटे से हम यहाँ पे रुके हैं, मोहक सेठ अभी तक आए नहीं है। घर पे मैं बोल के गया था मैं ब्रेकफास्ट राइड को जा रहा हूँ, घर वाले ने बोला कि ब्रेकफास्ट राइड नहीं, तू 3 बजे आएगा। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर राह, देखते आएगा तो उसकी परीक्षा लेंगे अपन। एक तो घर पे मम्मी आई हुई है, थोड़ा जल्दी जाता तो बेटर होता, लेकिन होता ही नहीं है हमसे। वो आ गया, रुको रुको, लाइसेंस लाइसेंस। आधा पौन घंटा हो गया इधर हमको। अरे दो फोटो खींचा ठीक है। देखिए इस चेहरे को, देखिए यही बंदा है जो घर पे मम्मी ने मेरे को डांटा ना, मैं तेरे को फोन दे दूंगा मम्मी। तो चलो एक कांड हो गया अपना, ये ब्रैकेट टूट गया, तो अभी मैं GoPro सेटअप नहीं कर सकता, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये रख देता हूँ और निकलते हैं। चलो ये भी अभी होना था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याण के 10 किलोमीटर पहले। प्यास बहुत ज़्यादा लगी, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा पानी पीने के लिए रुके हैं। मैं अपडेट देना चाहूँगा आपको कि अगर आप मालसेज की तरफ जा रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे के पहले अगर वो घाट तक पहुंच जाओ तो बेटर है, क्योंकि रिटर्न आते टाइम हमने देखा कि मालसेज के पहले पुलिस रोक रहे थे और लोगों को वापस भेज रहे थे, स्पेशली बाइकर्स लोगों को। ये संडे का अपडेट है, पता नहीं वीकडेज में शुरू होता है कि नहीं। मे बी 11 बजे आओगे तो खुला रहेगा, लेकिन आज का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप तैयारी से आओगे, रिटर्न जाना मुमले का, बिकॉज टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग ज़्यादा अलाउड नहीं है। पहुँच चुकी है ठाणे और अभी टाटा बाय बाय बोलने का समय। तो आज का दिन इतना बढ़िया था कि बारिश बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होगी जैसे कि ये मेरा माइक का, ये सीढ़िया कैमरा का, तो देख लीजिए। चलो राइड 4 बजे हो चुकी है ख़त्म। ऊपर जाता हूँ, नहा धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक्चुअली कल राइड से आने के बाद मैं थक नहीं गया था, लेकिन मेरे पैर, लेफ्ट पैर मेरा थोड़ा दर्द कर रहा था। एक्चुअली 3-4 महीने हो गए राइड किया ही नहीं, इसीलिए ये राइड का मकसद जो है वो बताना शायद भूल गया मैं। मकसद ये था कि हमको बाइक चेक करनी थी और ख़ुद को चेक करना था कि क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम फेस अभी कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कभी राइड, लॉन्ग राइड का प्लान अगर बन जाए तो वो प्रॉब्लम्स ना हो। अभी ये सब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम से अपन लॉन्ग राइड पे नहीं निकल सकते। लॉन्ग राइड के जाने के पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो डेमो करके ही कंप्लीट होगा। तो ये डेमो था, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि मेरे बाइक का हॉर्न जो पीप 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 कर रहा है उसको मैं चेंज करूँगा, फिर चेन ल्यूब लेना है, मैं भूल गया था मेरे पास चेन ल्यूब खत्म हो गया, चेन ल्यूब लेना है, और 2-3 चीज़ें ऐसी है। मेरे पर्सनल लेवल पे मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा था, तो मैं अभी थोड़ा और बाइक चलाऊंगा ताकि मैं यूज्ड टू हो जाऊं, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए कि अपन ने प्रॉपरली लॉन्ग राइड की नहीं है। तो मोस्टली मैं एक और छोटी मोटी राइड करूँगा, क्योंकि अभी मैं बाइक पर थोड़ा काम करूँगा, जो जो चीज़ें करनी है वो करूँगा, उसके बाद एक और राइड करूँगा टेस्ट करने के लिए, पैनर वैनर लगा के सब कुछ सेट है या नहीं है। दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। 1000 लाइक का हमारा टारगेट होता है, छोटा मोटा टारगेट है, कंप्लीट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। घर पे मम्मी है तो मैं ज़्यादा घर में ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल ऑन कैमरा, लेकिन जो भी है हम लोग आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, डू फॉलो मैन इंस्टाग्राम, क्योंकि ये राइड वीडियोज़ और ये छोटी मोटी राइड, लॉन्ग राइड सबके अपडेट सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आते हैं। मिलते हैं। Oh, 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 oh